अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटा अंशुमन, अस्थियां विसर्जित करने जाना होगा। अस्थि विसर्जन का समय हो गया है, चलिए। तुम्हारे कष्ट और दुर्गति के दिन तो अब शुरू होंगे सुमन। इसने तो टेक ओवर कर लिया बेटा, बहुत चालू चीज है। डोंट वरी मॉम, इसे ओवरटेक कैसे करना ये मैं अच्छे से जानती हूँ। बाबूजी, सुमन के साथ परंपरा के हिसाब से हमको जो कुछ भी करना है वो अंशुमन बुआ के यहाँ रहते हुए नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे यहाँ से बाहर भेजना पड़ेगा। बाबूजी, दीदी, अंशुमन तो करता है ना, मुखाग्नि दी है उसने नंदन को 13 दिन से पहले, उसे कैसे बाहर भेज सकते हैं? लेकिन हम 13 दिन तक इंतजार तो नहीं कर सकते हैं ना छुटकी, आश्रम से ही आवाजें उठने लग जाएंगी और पुरानी रीति और विधि के साथ सुमन का बाल काटना होगा, उसका मुंडन करना होगा। सफेद साड़ी उसने पहन ली है लेकिन विधवा नियम का पालन करना उसको नहीं आता है, वो नियम भी तो सिखाना है। बड़के बउआ के यहाँ रहते हुए ये सब करना बड़ा मुश्किल है। बड़की बहू, तुम इस बात की चिंता मत करो, अंशुमन सुमन के मामले में कुछ ना बोले इसकी जिम्मेदारी हमारी है। तुम अपनी परंपराओं को बचाने के लिए, उसका निर्वाह करने के लिए सुमन के साथ जो भी सही लगे करने के लिए आजाद हो। क्या करने वाले हैं आप लोग सुमन के साथ? बड़ी माँ, मैंने पूछा आप क्या करने वाली हैं सुमन के साथ? वही जो हमारा परिवार का नियम है, हमारे कुल की परंपरा है। और बाबूजी, हमारे काम में कोई विघ्न ना आए ये बात का जिम्मेदारी अभी अभी आप लिए हैं, अपना जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। देखो अंशुमन, बड़ी की बहू जो भी कर रही है उसे रोकने की तुम कोशिश नहीं करोगे? दादाजी, लेकिन अंशुमन, तुम्हारे दादाजी तुम्हें आदेश दे रहे हैं, तुमसे पूछ नहीं रहे हैं। तुम्हें ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा तो तुम अपने कमरे में जा सकते हो, वहीं जाके आराम करो। बड़ों को अपना काम करने दो। अंशुमन, अब हमें कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए।
के साथ ये सब सही नहीं हो रहा, मुझे कुछ करना होगा। सुमन को मुंडन के लिए यहाँ लेकर आना होगा। हम जाते हैं, सुमन को लेकर आते हैं। अरे ठहरिए समधन जी, हम खुद जाएंगे उसे लेने। काहे कि वो आपके घर की बेटी नहीं है, अब हमारे घर की बहू है। सुमन उठो, चलो जल्दी मेरे साथ उठो। चले, लेकिन कहाँ तान्या जी? ज्यादा सवाल मत करो, वक्त बहुत कम है। चलो। नहीं तान्या जी, हम आपके साथ कहीं भी नहीं चल सकते। बड़ी माँ ने हमें इस कमरे से बाहर निकलने से भी मना किया है। तुम बड़ी माँ पे ज्यादा ट्रस्ट करती हो या अंशुमन पे? मुझे अंशुमन ने भेजा है, तुम्हें लगता है कि अंशुमन कुछ गलत कर सकता है? अगर सुमन का सर मुंडन हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उठो चल। तान्या जी, आप पहले हमें बताइए तो कि आप हमें लेकर कहाँ जा रहे हैं? अंशुमन कार में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। अब तुमसे ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से चलो। लेकिन तान्या जी, अगर अंशुमन जी को हमसे कुछ बात करनी है तो वो यहाँ आकर भी तो बात कर सकते हैं ना? ऐसे भी क्या बात है कि हमें पास? तुम्हें पता है ना घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। अब ज्यादा सवाल मत करो, तुम उनके अगेंस्ट जाना चाहती हो क्या? नहीं ना, भरोसा है ना उनपे, तो चल। ठीक है, हम उनके पास जाकर सारी बात करेंगे। ठीक है ठीक है, अब तुम ये सारी बातें बाद में करना, चलो जल्दी।